नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम GFR 2017 विच इज अपडेटेड अप टू 31 जुलाई 2023 के चैप्टर 8, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की बात की गई है, जिसमें रूल 224 टू 227 में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की बात की गई है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। GFR का जो है लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए GFR को चैप्टर वाइज हमें समझना ही पड़ेगा। GFR हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आता है और हमें एक बहुत कुछ सीख भी देके जाता है। सो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, GFR इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। सो इसमें 7 चैप्टर 7 में हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन किया था, चैप्टर 8 में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या है कि GFR में या तो हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं और नहीं तो अवेलिंग ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। सो दो ही तरह की चीज़ें इसमें, या तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स है, नहीं तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज है। इन दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम गुड्स प्रोक्यूर कर रहे हों चाहे सर्विसेज प्रोक्यूर कर रहे हों, हमें एक लेवल पर आ करके एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना पड़ता है। सप्लायर और बायर, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, उसके लिए जो रूल है वो चैप्टर 8 में मेंशन किया हुआ है। सो चैप्टर 8 में हम कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सो स्टार्ट्स फ्रॉम रूल 224। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स शैल बी मेड बाय एन अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डू सो बाय और अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 299(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे किसके बीच में होंगे, जो एम्पावर्ड अथॉरिटी हो, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो एम्पावर्ड अथॉरिटी है, जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है, वो सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसका रूल पोजीशन क्या होगा, उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है टू डू सो बाय और अंडर द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 299(1). MCQ क्वेश्चन बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जितने भी होते हैं वो आर्टिकल 299 में होते हैं, उसका 299(1) में मेंशन किया हुआ है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, राइट। रूल 224 का 2, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एश्योरेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो साइन भले हम करेंगे बट इट विल बी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसके लिए हमें क्या करना है, द वर्ड्स फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड फॉलो द डेजिग्नेशन। सो मेरा नाम सोनसो, मेरा डेजिग्नेशन सोनसो, कंपिटेंट अथॉरिटी का जो पोस्ट है उसको सोनसो, उसके नीचे फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये मेंशन करना है। इट शुड बी अपेंडेड बिलो द सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, करना है ऐसा। नोट 1 में क्या कह रहे हैं, द वेरियस क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एश्योरेंस ऑफ पॉलिसीज विच मे बी एग्जीक्यूटेड बाई डिफरेंट अथॉरिटीज आर स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन इशूड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। नोट 2, द पावर्स ऑफ वेरियस अथॉरिटीज द कंडीशंस अंडर विच सच पावर शुड बी एक्सरसाइज एंड द जनरल पावर जनरल प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड विद रिगार्ड टू वेरियस क्लासेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एश्योरेंसेस ऑफ प्रॉपर्टी आर लेड डाउन इन रूल 21 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल पावर रूल्स। सो हम आपको इससे पहले वाले क्लास में भी बता चुके हैं, GFR जो है इसका एक सप्लीमेंट्री रूल भी है।
सो GFR एक स्टैंडर्ड रूल है और इसको सप्लीमेंट करने के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 है। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के लगभग सारे क्लासेस इस चैनल पर SGKG स्टडीज पर अपलोड किए जा चुके हैं, आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। सो ये कह रहे हैं कि इसमें जो डेलीगेशन है वो रूल 21 के अनुसार होगा, राइट। ये रहा रूल 24। रूल 24 में ये सिर्फ इतनी ही बातें हो रही हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एम्पावर्ड अथॉरिटी के द्वारा किए जाएंगे एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किए जाएंगे, एंड वो साइन करते समय उनके सिग्नेचर ब्लॉक के नीचे फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन किया गया रहेगा। इसके लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है, किस किस अमाउंट के लिए कौन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, इसकी चर्चा रूल 21 ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर में किया गया है। रूल नंबर 225, जनरल प्रिंसिपल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो अब यहाँ हम रूल 225 को बड़ी ध्यान से समझेंगे। इसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा की गई है, स्टेप वाइज चर्चा की गई है। द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है जी, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रिसाइज, डेफिनेट एंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटीज। सो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, गवर्नमेंट का सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ परचेजिंग कुछ सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रिसाइज, मतलब बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी के जैसा बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी होनी चाहिए, चाहे क्वांटिटी हो चाहे क्वालिटी हो, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, कुछ इस तरीके से मेंशन किया जाए कि उसमें ड्यूअल मीनिंग वाली सिचुएशन ना हो, एंड इट शुड बी विदाउट एनी एम्बिग्यूटीज। The term should not involve an uncertain or indefinite liability. आपको लिखना है 2 महीना तो 2 महीना लिखिए, आपको लिखना है 31 अगस्त तक 31 अगस्त तक लिखिए, आप ऐसे ही नहीं लिख सकते कुछ समय के लिए, कुछ पैसे के लिए, कुछ चेयर चाहिए, ऐसे अनसर्टेन नहीं कर सकते, इनडेफिनिट नहीं डाल सकते, आपको डेफिनेट डालना पड़ेगा। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और वेयर देयर इज ए प्राइस वेरिएशन क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर एक नया टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ रहा है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में आप इतने डेफिनेट नहीं हो सकते हैं, और वेयर देयर इज ए प्राइस वेरिएशन, प्राइस वेरिएशन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें भी आप श्योर एंड सर्टेन नहीं हो सकते कि 10 मीन्स 10 ही होता है। तो हम आगे समझेंगे कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अभी यह हमारे लिए नया टर्मिनोलॉजी है, इसको आगे हम समझते हैं। देखिए ऐसा है, मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम ये एग्रीमेंट करते हैं कि जो सप्लायर है वो गुड्स का पैसा अलग से जोड़ेगा और जो सर्विसेज वो सरेंडर करेगा उसका पैसा अलग से जोड़ेगा। मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाना है तो ब्रिक्स का कॉस्ट, आयरन का कॉस्ट, स्टील का कॉस्ट, सीमेंट, सैंड, बिटुमिन्स, इन सब का कॉस्ट अलग अलग वो जोड़ करके हमें रिसीट दे देगा, और उसके बाद से ये लेबर कॉस्ट वगैरह, और उसके बाद से मेरा प्रॉफिट इतना बनता है वो अलग से लिख करके देगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा भी होता है, अदरवाइज जनरली क्या होता है, हमने 20 लाख में इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, हमने 25 लाख में इसमें इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इसमें ये डिजाइन होगा, ये मॉडिफिकेशन होगा, इस तरीके का ये सब लगेगा, ये सब मेंशन किया रहेगा, लेकिन आपके प्रॉफिट से लॉस से हमें लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जितना हमारा कॉस्ट लगेगा उतना आप दे देंगे और प्लस मेरा प्रॉफिट आप दे देंगे, इसको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अडॉप्टेड वेयर एवर पॉसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या है, हर डिपार्टमेंट के पास कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट करने ही पड़ेंगे अगर आइटम परचेज करने हैं, तो हर बार नया नया कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करने से अच्छा है
कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम कर लिया जाए, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसी को विद सम मॉडिफिकेशन जहाँ पर जैसा जरूरत है उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। ये अच्छा तरीका है, हमारे पास भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, बी अडॉप्टेड वेयर एवर पॉसिबल विथ सच मॉडिफिकेशन एज आर कंसिडर्ड नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ओवरऑल उसके मटेरियल एक ही जैसे रहेंगे, बस काम के नेचर के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा। द मॉडिफिकेशन शुड बी कैरीड आउट मनली आफ्टर अपटेनिंग फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइस। सो स्टैंडर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, उसमें जो मॉडिफिकेशन आप तभी करेंगे जब फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइस ले लिया जाए। इन केस वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट यूज्ड, लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइस शुड बी टेकन इन ड्राफ्टिंग द क्लॉसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज में नहीं है वहां पर हर कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले आपको लीगल और फाइनेंशियल एडवाइस लेनी पड़ेगी। अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट मे एट इट्स डिस्क्रिशन मेक परचेजेस ऑफ वैल्यू अप टू ₹2,50,000 बाई इशूइंग परचेज ऑर्डर ऑब्टेनिंग बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, इसमें लिमिट दिया हुआ है 2,50,000 तक का। इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स है, कंटिन्यू करते हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेजेस वैल्यूड बिटवीन ₹1,00,000 to ₹10,00,000, where tender document include the general condition of contract, special condition of contract and scope of work, the letter of acceptance will result in a bidding contract. So, इसमें जो रुपीस 1,00,000 से लेकर के 10,00,000 के बीच वाला है उसमें जो लेटर जो उनका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा उसी वही बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट के रूप में मान लिया जाएगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क्स एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ₹10,00,000 और एबव, हमने तीन कैटेगरी यहाँ पर देखा, यहाँ पर ₹2,50,000 ये वर्क्स का नहीं है, ये जनरल आइटम का है, परचेज ऑफ वैल्यू है, परचेज ऑफ वैल्यू ₹2,50,000। जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो जब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो इसमें ₹1,00,000 से लेकर के ₹10,00,000 तक का, इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर जो होगा दैट विल रिजल्ट इन बिडिंग कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा जो कैटेगरी है विद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ₹10,00,000 और एबव ऑफ द परचेज एबव ₹10,00,000 अ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड विद ऑल नेसेसरी क्लॉजेज टू मेक इट अ सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो जो ₹10,00,000 एंड ऊपर से होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, सेल्फ कंटेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट शुड बी इनवेरिएबली एग्जीक्यूटेड इन केसेस ऑफ टर्नकी वर्क्स और एग्रीमेंट फॉर इन मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सो ये कह रहे हैं कि बाकी जगहों पे कुछ एक्सेप्शन चल सकता है, एक्सक्यूज चल सकते हैं, लेकिन जहाँ पर भी टर्न की वर्क्स हो रहे हैं वहाँ जहाँ पर भी टर्न की वर्क्स हो रहे हैं या उनके एग्रीमेंट हो रहे हैं यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही करना है, इनवेरिएबली एग्जीक्यूटेड करना ही करना है। सो टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, अ टर्न की प्रोजेक्ट और टर्न की ऑपरेशन इज type of project that is constructed so that it can be sold to any buyer as a completed product. हम आपको समझा रहे हैं कई जगहों पे तो ऐसा होता है अगर हमें घर बनाना हुआ तो हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे कि ठीक है आप ये इसका स्केलेटन खड़ा कर दीजिए, बाकी इसके वाल वगैरह हम डिसाइड करेंगे, इसके पार्टीशन हम डिसाइड करेंगे, इसके इंटरनल इंटीरियर डेकोरेशन हम डिसाइड करेंगे। और कुछ जगहों पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि मुझे फिनिश्ड
100% फिनिश्ड, रेडी टू मूव हाउस चाहिए। तो जब हम रेडी टू मूव हाउस की बात करते हैं तो उसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अलावा, पेंटिंग डेंटिंग के अलावा, दरवाजे विंडोज़ के अलावा, वाटर सप्लाई के सब उपाय, ईबी के सब उपाय, ये सब इनवेरिएबली उसमें होनी चाहिए। तो जब ये सब कुछ फिट फिट एंड फाइनल करके हो जाता है, उसको टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। नो वर्क ऑफ एनी काइंड शुड बी कमेंस विदाउट प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एन एग्रीमेंट एज गिवन इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस। तब तक काम शुरू नहीं किया जा सकता जब तक फॉर्मल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? साइन करना होता है। एग्रीमेंट तो बन गया है, दोनों पार्टी साइन करेगी तब एग्जीक्यूट होगा। सो जब तक फॉर्मल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता, वैसे जैसे इधर बताए गए हैं, तब तक कोई भी काम शुरू नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट वेयर नेसेसरी शुड बी एग्जीक्यूटेड विद इन 21 days ऑफ द इशू ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो जहाँ कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, उसको 21 days के भीतर, 21 days ऑफ इशू ऑफ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके भीतर हमें एग्जीक्यूट करने हैं। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दिस कंडीशन ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर वुड कंस्टिट्यूट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एन्यूलमेंट ऑफ अवार्ड एंड फॉरफीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड। अगर 21 days के भीतर सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उनकी इच्छा नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, और तब क्या करेंगे हम, उसको डिम्ड रिफ्यूजल मान करके और उनका जो एग्रीमेंट है उसको हम एनुल कर सकते हैं, और जो अर्नेस्ट मनी है, जो एडवांस मनी है, जो डिपॉजिट मनी है, उसको फॉरफिट कर सकते हैं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑर्डिनरली बी अवॉइडेड। सो इन जनरल क्या रूल है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अवॉइडेड। वेयर सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम अनअवॉइडेबल, फुल जस्टिफिकेशन शुड बी रिकॉर्डेड बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सो जनरल कंडीशन तो ये है कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना है, नहीं करना है इसको। लेकिन जहाँ कहीं भी इन अनअवॉइडेबल हो जाए, करना ही पड़ेगा आपको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो वो ग्राउंड कौन सा है जिसके चलते हमें कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, उसको जस्टिफाई करने के लिए मेंशन करना पड़ेगा। वेयर सप्लाइज और स्पेशल वर्क कवर्ड बाय सच कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हैव टू कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, एफर्ट शुड बी मेड टू कन्वर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन ए फर्म प्राइस बेसिस आफ्टर फॉर अलाउिंग अ रीजनेबल पीरियड टू द सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर टू स्टेबलाइज देयर प्रोडक्शन एग्जीक्यूशन। अगर लंबे समय तक के लिए कोई काम करना है और अगर पहले हमने उसको शुरू शुरू में हमने उसको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दे ही दिया, तो उसको बाद में क्या करना है, उस कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को उसके बाद वाले फेज के लिए उसको कन्वर्ट कर देंगे हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में। अब यहाँ पर डेफिनेशन दिया है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन है। अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द प्राइस पेएबल फॉर सप्लाइज और सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड। अ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द प्राइस पेएबल फॉर सप्लाइज और सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सप्लाइज और सर्विसेज कंसर्न प्लस प्रॉफिट आइदर एट द फिक्स्ड रेट पर यूनिट और एट फिक्स्ड परसेंटेज ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन। सो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सप्लायर जो है आपको आइटम सप्लाई करेगा, तो उसका जो आइटम का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कॉस्ट को मेंशन कर देगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेंशन करेगा, एंड उसके बाद से वो अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करेगा।
आपको पता चलेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, अमेजन या फ्लिपकार्ट से हमने एक मोबाइल कवर हमने ऑर्डर करनी है, तो मोबाइल कवर जब ऑर्डर करते हैं तो उसमें 500 रुपीज़ का कवर है, तो 500 रुपीज़ का कवर है तो हम 500 रुपीज़ में ख़रीद लिए। एक दूसरा सप्लायर है वो ये कह रहा है कि 450 रुपीज़ कवर प्लस 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज, दोनों अलग अलग हो गए। हाँ, एक जो है कह रहा है कि 450 रुपीज़ आपका आइटम का रेट है और प्लस 50 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज है, और दूसरा ये कह रहा है कि 500 रुपीज़ में हम फ्री डिलीवरी कर रहे हैं। आपका पैसा उतना ही लग रहा है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। तो वैसे ही है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें भी वो बोलेंगे कि पहले 450 रुपीज़ आपका मोबाइल का कवर का रेट हो गया और 50 रुपीज़ हम आपका डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं, तो उस डिलीवरी चार्ज के बदले में ये लिखेंगे कि प्रॉफिट ले रहे हैं। प्राइस वेरिएशन क्लॉज कैन बी प्रोवाइडेड मनली इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द डिलीवरी पीरियड एक्सटेंड्स बियॉन्ड 18 मंथ्स। सो ऐसे सिचुएशन जहाँ पे डिलीवरी पीरियड जो है 18 मंथ से ज़्यादा का हो, कई बार तो फटाफट डिलीवर हो जाता है छोटा मोटे आइटम, लेकिन अगर कोई जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो तो उसमें डिलीवरी पीरियड 18 मंथ क्या, उसमें 18 उसमें 3 ईयर 4 ईयर भी लग जाते हैं। सो जहाँ पे डिलीवरी पीरियड जो है वो 18 महीने से ज़्यादा हो, वहाँ पे प्राइस वेरिएशन क्लॉज को ऐड किया जा सकता है। कहने का मतलब कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद से फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस वेरिएशन दैट हैव टेकन प्लेस बिटवीन द बेस लेवल एंड द शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट शुड बी इंक्लूडेड इन दिस क्लॉज। सो किस फॉर्मूले के बेसिस पे प्राइस वेरिएशन कर रहे हैं, किस ग्राउंड पे प्राइस वेरिएशन कर रहे हैं, किस क्लॉज पर ग्राउंड वेरिएशन हम प्राइस वेरिएशन कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना है। द वेरिएशंस आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग इंडिसेस पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स पीरियोडिकली। द प्राइस वेरिएशन क्लॉज शुड ऑल्सो स्पेसिफाई कट ऑफ डेट्स फॉर मटेरियल एंड लेबर। सो 18 महीने से ज़्यादा वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें प्राइस वेरिएशन क्लॉज दिया जा सकता है। प्राइस वेरिएशन क्लॉज का फॉर्मूला क्या है, किस बेसिस पे किया जा रहा है, उसको उसमें मेंशन करना है, और मेंशन करते समय उसमें कट ऑफ डेट मेंशन करना है। 31 अक्टूबर तक ये डेट रहेगा, 31 अक्टूबर से आगे अगर बढ़ता है 1 नवंबर से ये इसका जो प्राइस वेरी कर जाएगा वो कट ऑफ डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। द प्राइस वेरिएशन क्लॉज शुड प्रोवाइड फॉर सीलिंग ऑन प्राइस वेरिएशन पार्टिकुलरली वेयर एस्केलेशंस आर इन्वॉल्व्ड। सो कई जगहों पे ऐसा होता है कि प्राइस जो है एस्केलेशन बढ़ते जाता है, तो जब प्राइस वेरिएशन को वहाँ पर हम ऐड करेंगे तो उसमें हम मेंशन करेंगे कि ये 10 रुपया से शुरू होगा, 1-1 रुपया बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम ये 15 रुपया तक ही जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ऐसा सीलिंग आपको मेंशन करना है। द क्लॉज शुड ऑल्सो स्टिपुलेट अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एबव विच प्राइस वेरिएशन, उसको भी मेंशन करना है। वेयर एडवांस और स्टेज पेमेंट्स आर मेड देयर शुड बी ए फर्दर स्टिपुलेशन दैट नो प्राइस वेरिएशन विल बी एडमिशेबल ऑन सच पोर्शंस ऑफ द प्राइस आफ्टर द डेट्स ऑफ सच पेमेंट। सो जहाँ कहीं भी एडवांस पेमेंट हो रहा है और चाहे पेमेंट के स्टेजेज हैं वहाँ भी हमें मेंशन करना है कि इसके बेसिस पर कोई वेरिएशन नहीं होगा। जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उस पर कहाँ से वेरिएशन होगा, वेरिएशन तो उस पर होगा जिस पर पे हम नहीं किए हैं। वेयर डिलीवरीज आर एक्सेप्टेड बियॉन्ड द शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट द लिक्विडेटेड डैमेजेस इफ अ परसेंटेज ऑफ द प्राइस विल बी अप्लीकेबल ऑन द प्राइस एज वेरिड बाय द ऑपरेशन ऑफ द प्राइस वेरिएशन क्लॉज। तो एक तो ये है कि डिलीवरी शेड्यूल टाइम से नहीं हो रही है तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन शेड्यूल टाइम के बाद भी डिलीवरी होती है और हमारी ज़रूरत है तो हम आइटम तो ले लेंगे, लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेज उसमें जोड़ेंगे। कहने का मतलब कि इसके देर से आने से मुझे कितना लॉस हुआ है, उतना लॉस हम उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद ही हम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे उसको। नो प्राइस वेरिएशन विल बी एडमिसिबल बियॉन्ड द ओरिजिनल शेड्यूल डिलीवरी डेट फॉर डिफॉल्ट। सो प्राइस वेरिएशन, अगर आपका 20 मंथ में डिलीवरी होनी चाहिए, आपने 20 मंथ में किया, तब तो उस बीच में हम 18 महीने के बाद से प्राइस वेरिएशन आपका बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 20 मंथ में नहीं करके 30 मंथ में किया तो गलती आपकी है, आपने टाइम से डिलीवर नहीं किया, इसलिए इसमें कोई भी प्राइस वेरिएशन नहीं होगा। प्राइस वेरिएशन मे बी अलाउड बियॉन्ड द ओरिजिनल शेड्यूल डिलीवरी डेट। प्राइस वेरिएशन मे बी अलाउड बियॉन्ड द ओरिजिनल शेड्यूल डिलीवरी डेट बाई ए स्पेसिफिक अल्टरेशन ऑफ दैट डेट थ्रू एन अमेंडमेंट टू द कंट्रैक्ट इन केसेस ऑफ फोर्स मेजर और डिफॉल्ट्स बाई कंट्रैक्ट। सो प्राइस वेरिएशन मे बी अलाउड बियॉन्ड द ओरिजिनल शेड्यूल डिलीवरी। सो इधर तो हमने मना कर दिया कि शेड्यूल डिलीवरी के बाद से हम प्राइस वेरिएशन अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ पर उसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कह रहे हैं कि प्राइस वेरिएशन बियॉन्ड शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट भी हम एक्सेप्ट कर देंगे, कर सकते हैं। किस ग्राउंड पे? या तो फोर्स मेजर हो और नहीं तो डिफॉल्ट बाय द गवर्नमेंट हो। कहने का मतलब या तो एक्ट ऑफ गॉड हो, फोर्स मेजर का मतलब, मेजोरे का मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड, इसका मतलब होता है नेचुरल कैलेमिटी, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई जो बियॉन्ड ह्यूमन एक्ट, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, तो या तो नेचुरल कैलेमिटी आ गई और नहीं तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो रिसीवर है, उसी की अपनी गलती है। इन दोनों कंडीशन में हम प्राइस वेरिएशन एक्सेप्ट करेंगे डिलीवरी डेट के बाद भी, शेड्यूल्ड डिलीवरी डेट के बाद भी। वेयर कंट्रैक्ट्स आर फॉर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट गुड्स इम्पोर्टेड एंड और लोकली सब्जेक्ट द परसेंटेज एंड इंटरवेंशन। तो वेयर कंट्रैक्ट्स आर फॉर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट गुड्स इट इज इम्पोर्टेड, सो इम्पोर्टेड आइटम की बात यहाँ पर हो रही है, एंड और लोकली मैन्युफैक्चर्ड या लोकली मैन्युफैक्चर की बात हो रही है। द परसेंटेज एंड एलिमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्लूडेड इन द प्राइस शुड बी स्पेसिफिकली स्टेटेड। सो हम जो भी आइटम ले रहे हैं उसमें टैक्स, जो भी टैक्स एलिमेंट इन्वॉल्व्ड हैं उनको भी वहाँ पर कंट्रैक्ट में मेंशन करना है कि इतने अमाउंट का ये आइटम है, इतना इस पर टैक्स होता है और इसका टैक्स ये पे कर रहा है, ये मेंशन करना है। द क्लॉज शुड आल्सो कंटेन द मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस वेरिएशन एडमिसिबल। सो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो क्लॉज होगा उसमें ये भी मेंशन किया जाएगा कि मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस वेरिएशन एडमिसिबल। सो जो प्राइस वेरिएशन है उसका मोड और टर्म क्या है, मेंशन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड प्रोविजंस फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल अप्लीकेबल टैक्सेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर। कॉन्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ऑल अप्लीकेबल टैक्सेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर। सो जो भी हम गुड्स ले रहे हैं और सर्विसेज ले रहे हैं, जो भी हम प्रोक्यूर कर रहे हैं उस पर कुछ गवर्नमेंट टैक्स लगता होगा ना, वो गवर्नमेंट टैक्स सप्लायर पे करेंगे, वो गवर्नमेंट टैक्स कॉन्ट्रैक्टर पर पे करेंगे, हम नहीं पे करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना है। कॉन्ट्रैक्ट में टैक्स का प्रोविजन होगा और वो टैक्स विल बी पेड बाय द सप्लायर, ऐसा क्लियर कट मेंशन करना है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी इंटर्ड इनटू एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ अब्सोल्यूट नेसेसिटी वेयर लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम अनअवॉइडेबल फुल जस्टिफिकेशन शुड बी। सो रूल क्या है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं करना है। जनरल रूल ये है कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं करना है। अगर सिचुएशन ऐसी हो गई कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट करने के सिवाय हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है, सिचुएशन ही अनअवॉइडेबल है, तो ऐसे में उसको जस्टिफाई करना है
कि किस बेसिस पर हम लमसम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जस्टिफिकेशन आपको मेंशन करना है, कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन करना है। डिपार्टमेंटल इशू ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। देखिए, डिपार्टमेंटल इशू ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल वेयर इट इज डिसाइडेड टू सप्लाई मटेरियल डिपार्टमेंटली अ शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज विद द रेट इशू रेट ऑफ सच मटेरियल एज आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट शुड फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, हम क्या है, हम टाटा स्टील है, सेल है, टाटा स्टील छोड़ दीजिए, सेल जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सो हमें कोई बिल्डिंग बनानी है और हम सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो पहला हिसाब तो यह है कि डिपार्टमेंट कोई मटेरियल इशू ही ना करे, लेट कॉन्ट्रैक्टर प्रोक्यूर एंड डू द नेसेसरी वर्क, पहला रूल ये है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट से ही मटेरियल देने की बात हो भी जाती है तो क्लियरली मेंशन करना है रेट क्या होंगे, क्वालिटी क्या होगी, ये सब कुछ आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में ही मेंशन करना है। चुपके चुपके आप कुछ कर नहीं कर सकते। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको बात कर रहे हैं जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस से रिलेटेड होते हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होंगे उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इज इंट्रस्टेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर आइदर फॉर यूज ऑफ पेमेंट ऑफ हायर चार्जेस और फॉर डूइंग फर्दर वर्क ऑन द सच प्रॉपर्टी, ए स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर सेफ गार्डिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जो सर्विसेज हम ले रहे हैं सप्लायर से, उस सर्विसेज लेने के दौरान अगर हम अपना कोई प्रॉपर्टी उनको दे रहे हैं यूज करने के लिए, तो जो प्रॉपर्टी हम उनको यूज करने के लिए दे रहे हैं उसका चार्ज हम उनको कितना हम उसके लिए चार्ज कर रहे हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना है। प्रोविजन शुड बी मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीरियोडिकल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द नंबर एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ द टर्म आइटम्स एट द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रीमाइसेस। प्रोविजन शुड बी मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीरियोडिकल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द नंबर एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द आइटम्स एट द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रीमाइसेस। सो कॉन्ट्रैक्टर के प्रीमाइसेस पर ही फिजिकल वेरिफिकेशन जो करना है ऑफ गुड्स को कर लेना है। कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स फॉर परचेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹25 लाख एंड अबव एंटर्ड इनटू बाय सिविल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी सेंड टू द ऑडिट ऑफिसर एंड द अकाउंट्स ऑफिसर एज द केस मे बी। 25 लाख ₹25 लाख, 25 लाख से ऊपर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी ऑडिट ऑफिसर के पास एंड अकाउंट्स ऑफिसर के पास भेजे जाएंगे। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द स्कोप एंड स्पेसिफिकेशन वंस एंटर्ड इनटू शुड नॉट बी मटेरियली वैरिड। एक बार कॉन्ट्रैक्ट जो बन गया बन गया, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाल दिए डाल दिए, उसके बाद से उसमें चेंज नहीं करनी चाहिए। वेयर एवर मटेरियल वेरिएशन इन एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनअवॉइडेबल, द फाइनेंशियल एंड अदर इफेक्ट्स इन्वॉल्व शुड बी एग्जामिंड एंड रिकॉर्डेड एंड ए स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी कंपिटेंट टू अप्रूव द रिवाइज फाइनेंशियल एंड अदर कमिटमेंट ऑब्टेंड बिफोर वेयरिंग द कंडीशन। तो पहला रूल तो ये है कि जो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक बार एग्जीक्यूट हो गया, फाइनलाइज हो गया, तो बाद में उसमें किसी प्रकार की चेंज हम नहीं करेंगे बाद में चेंज। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ गए और उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में चेंज करने ही पड़े, तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल लीगल इफेक्ट सबको ध्यान में रखना है, उसको रिकॉर्ड करना है, जस्टिफाई करना है, और उसके बाद से जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे रिवाइज्ड फाइनेंशियल एंड अदर कमिटमेंट का आपको अप्रूवल लेना है, रिवाइज्ड फाइनेंशियल सेंक्शन आपको लेने पड़ेंगे।
ऑल सच चेंजेस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली साइंड बाई ऑल पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. ऑल सच चेंजेस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ एन अमेंडमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली साइंड बाई ऑल. सो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, अगर आपको उसमें कुछ वेरिएशन करने पड़े, कुछ मटेरियल वेरिएशन करने पड़े, तो एक अमेंडमेंट लाया जाएगा और उस अमेंडमेंट के द्वारा उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं. नॉर्मली नो एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल डिलीवरी और कंप्लीशन डेट शुड बी ग्रांटेड एक्सेप्ट वेयर इवेंट्स कंस्टिट्यूटिंग फोर्स मेजर एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. सो जनरली जो भी शेड्यूल्ड डिलीवरी पीरियड है, 18 महीना, 20 महीना, 2 ईयर, 3 ईयर, जो भी शेड्यूल्ड टाइम है, उस टाइम को एक्सटेंशन नहीं करना है एक्सेप्ट फोर्स मजेरो. फोर्स मजेरो का मीनिंग विश मेजर का मतलब एक्ट ऑफ गॉड का मतलब नेचुरल कैलेमिटी आ गई, 2 महीने तक बारिश होती रह गई, क्या कर लेंगे, 2 महीने तक बाढ़ आ गई, क्या कर लेंगे. सो ऐसे रिलेटेड जितने भी नेचुरल कैलेमिटी आती है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. तो नेचुरल कैलेमिटी के कंडीशन में शेड्यूल्ड डिलीवरी टाइम में चेंजेस हो सकते हैं. ऑल कॉन्ट्रैक्ट सच कंटेन अ प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर डिफॉल्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. ऑल कॉन्ट्रैक्ट शैल कंटेन ए प्रोविजन फॉर रिकवरी ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. सो क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे उसी कॉन्ट्रैक्ट में हम ये भी टर्म्स डालेंगे कि अगर इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं रहती, अगर ये अपने टाइम पीरियड में इसको काम नहीं करते हैं, तो फिर इनमें से इतने पैसे इनको काटे जाएंगे. लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब फिक्स्ड अमाउंट हो गया, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इनका पेमेंट नहीं किया जाएगा, रोका जाएगा, ये मेंशन करेंगे तो उसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस. अनलिक्विडेटेड डैमेज मतलब क्या है, मतलब उसके बाद से डिसाइड किया जाएगा कि कितना काटना चाहिए कितना नहीं काटना चाहिए. तो जब डिसाइडेड नहीं है तो अनलिक्विडेटेड होगा, और जब डिसाइडेड है तो लिक्विडेटेड डैमेजेस है. कब करना है, डिफॉल्ट होने पर. और वारंटी क्लॉज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरिंग द सप्लायर टू विदाउट चार्ज रिपेयर और रेक्टिफाई डिफेक्टिव गुड्स और टू रिप्लेस सच गुड्स विथ सिमिलर गुड्स फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट. सो वारंटी क्लॉज जो है, 6 मंथ की वारंटी है, 1 ईयर की वारंटी है, रिप्लेसेबल है, रिपेयरेबल है, ये वारंटी क्लॉज जो है टर्म्स एंड कंडीशंस में आपका जो डालना है, जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें मेंशन करना है कि इसका वारंटी पीरियड कितना रहेगा. चेयर का ले रहा है तो 6 मंथ रहेगा, 6 मंथ के भीतर अगर टूट गया तो या तो रिप्लेस करेंगे, नहीं तो 9 मंथ के बाद टूट गया तो रिपेयर करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा वारंटी पीरियड के रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन करने हैं. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स शुड रिजर्व द राइट ऑफ गवर्नमेंट टू रिजेक्ट गुड्स विच डू नॉट कन्फर्म टू द स्पेसिफिकेशन. कॉन्ट्रैक्ट में यह भी मेंशन करना है कि हमें ये इस स्पेसिफिकेशन के साथ ये पार्टिकुलर गुड्स चाहिए. अगर वो उस स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे. ये भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होना चाहिए. नो क्लेम फॉर द पेमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर शैल बी इंटरटेन्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 ईयर्स ऑफ द अराइजिंग ऑफ द क्लेम. सो अगर कॉन्ट्रैक्टर का कोई क्लेम है उसको 3 साल के भीतर ही क्लियर कर लेना है, अगर 3 साल तक क्लियर नहीं हुआ तो उसके बाद से उनका पेमेंट नहीं होगा, ऐसा मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा. आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 ईयर्स ऑफ द अराइजिंग ऑफ द क्लेम. रूल 226 मैनेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड एंड नोटिसेस इशूड प्रॉम्प्टली वेयर एवर अ ब्रीच ऑफ प्रोविजंस अकर्ड. सो कॉन्ट्रैक्ट तो हमने बना लिया, टर्म्स एंड कंडीशन भी हमने बना लिया, उसमें जो हमारे पॉइंट थे हमने उसमें ऐड कर लिए, काम हो गया क्या, नहीं हुआ,
क्यों? क्योंकि हमें इसको मॉनिटर भी करना है कि हमने जो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो जो टर्म्स एंड कंडीशन हमने डाले थे, उसको ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब भी आपको लगे कि वो नहीं कर रहे हैं, जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है, उसको बिल्कुल नोटिस करना है और अथॉरिटी के सामने रखना है उसको अथॉरिटी के सामने ला करके उसको दिखाना है, ठीक है। रूल 27, लीगल एडवाइस। वेयर एवर डिस्प्यूट्स अराइज ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लीगल एडवाइस शुड बी सॉट बिफोर इनिशिएटिंग एक्शन टू रेफर द डिस्प्यूट टू कंसिलिएशन एंड और आर्बिट्रेशन एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, और टू फाइल अ सूट वेयर द कॉन्ट्रैक्ट डस नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेशन क्लॉज। सो क्या होता है, लीगल एडवाइस की भी ज़रूरत पड़ती है। एक लीगल क्लॉज होता है, लीगल क्लॉज इसमें यह होता है कि अगर आपके और हमारे बीच में किसी प्रकार के डिस्प्यूट होते हैं, तो उस कंडीशन में हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, कंसिलिएशन के लिए जाएंगे, रिकंसिलिएशन के लिए जाएंगे, या एडजुडिकेशन के लिए जाएंगे। अगर एडजुडिकेशन के लिए हम जा रहे हैं तो हमारा ज्यूरिडिक्शन क्या होगा, ये सब हमें इसमें मेंशन करना होता है। हाँ, 227A, आर्बिट्रेशन अवार्ड। इन केसेस वेयर द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैज चैलेंज्ड एन आर्बिट्रल अवार्ड एंड एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड हैज नॉट बीन पेड, 75% ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड विच मे इंक्लूड इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ द अवार्ड शैल बी पेड बाई द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू द कंट्रेक्टर अगेंस्ट अ बैंक गारंटी। सो क्या करना है, जहाँ कहीं भी पे नहीं किया गया है, जहाँ कहीं भी अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं, इन केसेज वेयर द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हैज चैलेंज्ड एन आर्बिट्रल अवार्ड। सो कोई आर्बिट्रल अवार्ड आया, हाँ कोई आर्बिट्रल अवार्ड आया मीन्स कोई डिसीजन आया, और वो जो डिसीजन है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट है। अब क्या करेंगे, उसको अपील में हमें चैलेंज करना है। तो अपील में जब हम चैलेंज करेंगे, तो चैलेंज करने से पहले अगर अवार्ड पे नहीं हुआ है तो 75% ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, इसको आप एमसीक्यू के लिए नोट कर लीजिए, 75% ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी पेड बाय द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट टू द कंट्रैक्टर सप्लायर। द बैंक गारंटी अगेंस्ट बैंक गारंटी, द बैंक गारंटी शैल मनली बी फॉर द सेट 75% ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एज एबव, नॉट फॉर द इंटरेस्ट विच ही बिकम पेएबल टू द मिनिस्ट्री सब्सक्वेंट टू द कोर्ट ऑर्डर। सो जिस दिन तक का कोर्ट का ऑर्डर है, उस दिन तक का जो भी अमाउंट है उसके अगेंस्ट में हम बैंक गारंटी 75% अमाउंट का प्रोड्यूस करते हैं। द पेमेंट मे बी मेड इन टू अ डेजिग्नेटेड इस्क्रो अकाउंट विद द स्टिपुलेशन दैट द प्रोसेस विल बी यूज फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ लेंडर्स ड्यूज, सेकेंड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन फॉर कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोजेक्ट ऑफ द सेम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एज म्यूचुअली एग्रीड और डिसाइडेड। सो जो भी हम वो पेमेंट की बात कर रहे हैं 75% की, चाहे बैंक गारंटी की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी पेड इन टू अ डेजिग्नेटेड एस्क्रो अकाउंट, एक ESCROW एस्क्रो अकाउंट होता है, उसी में जमा करना है विद स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन मीन्स कंडीशन, जमा करते समय हमें ये कंडीशन डालना है कि ये जो अमाउंट है इट विल बी यूज्ड फर्स्ट फॉर पेमेंट ऑफ लेंडर्स ड्यू। सो उसमें हम ऑप्शन डाल रहे हैं, जब प्रायोरिटी वन जो होगी वो लेंडर्स के ड्यू को पे करने के लिए है, सेकंड प्रायोरिटी जो होगी कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए है, एंड देन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द सेम ऑफ, एंड थर्ड जो होगा वो ये होगा कि कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। तीन हो गया, तीन तरह का उसमें कंडीशन हम डालेंगे। एक तो ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो अमाउंट है, जो पेमेंट है, वो लेंडर के लिए ही पेमेंट किया जाएगा, जो उसका ड्यूज है, लेंडर का जो ड्यूज है उसके अगेंस्ट में इसको पे किया जाएगा। सेकंड क्या है, जो प्रोजेक्ट आधा अधूरा है उसके कंप्लीशन के लिए पूरा किया जाएगा। और थर्ड क्या है, किसी और भी प्रोजेक्ट में जो उसी डिपार्टमेंट उसी मिनिस्ट्री का है उसके लिए भी इसको यूज किया जाएगा। तो
इस तरीके से हमने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट चैप्टर 8 GFR 2017 को पूरे विस्तार से पढ़ा। एक एक चीज़ हम इसमें पढ़े हैं, कुछ भी इसमें हम छोड़े नहीं हैं। जो हम हाईलाइट किए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जो नहीं हाईलाइट किए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। UPSC है, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए पूरे प्रोविज़न को हमें लर्न करने चाहिए। एक बार में समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार में समझ में आता है वो भी अच्छी बात है, और नहीं तो तीसरी बार में समझ में आ ही जाता है। आज का नीति श्लोक, गुरु सुशिष्या विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थो न उपलभ्यते। विद्या गुरु की सेवा से, पर्याप्त धन देने से अथवा विद्या के आदान प्रदान से प्राप्त होती है। बड़ी गूढ़ बात इसमें बताई गई है। कई बार लोग बोलते हैं कि हमें विद्या नहीं आ रही है, हम सीख नहीं पा रहे हैं। विद्या के तीन ही रास्ते यहाँ पर बताए गए हैं। विद्या तीन ही तरीके से सीखी जाती है। पहला तरीका गुरु की सेवा से, गुरु की सेवा करने से विद्या का लाभ हमें मिलता है, विद्या हमें आती है, हम शिक्षित होते हैं गुरु की सेवा करने से। ये पहला उपाय है। दूसरा, पर्याप्त धन देने से। आजकल देखिए ना, या तो मार्क्स आता है तो आपका MBBS में एडमिशन हो जाएगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा, और नहीं तो डोनेशन दीजिए, कैपिटेशन फी दीजिए, एक्स्ट्रा अमाउंट दीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो पर्याप्त धन देने से भी विद्या प्राप्त होती है। तो विद्या प्राप्ति का पहला तरीका गुरु की सेवा है, विद्या प्राप्ति का दूसरा तरीका पर्याप्त धन देने से होता है, और तीसरा तरीका है विद्या के आदान प्रदान करने से भी विद्या प्राप्त होती है। जैसे हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, विद्या का आदान प्रदान कर रहे हैं। हम एक एक लेसन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और तब आपके सामने उसको सिंपलेस्ट वे में प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपके काम आ सके। तो ये क्या हो रहा है, विद्या का आदान प्रदान हो रहा है। तो विद्या सीखने के सिर्फ तीन ही रास्ते हैं, तीन ही तरीके हैं। अपने घर में भी, अपने बच्चों को भी, अपने से छोटे जो लोग हैं उनको बताइए, विद्या सीखने के सिर्फ तीन ही तरीके हैं। या तो गुरु की सेवा में लग जाइए, विद्यार्थी बन जाएंगे, नहीं तो पर्याप्त धन दे करके आप कोई बड़ी डिग्री हासिल कर लीजिए, PhD कर लीजिए, और नहीं तो विद्या के आदान प्रदान से भी विद्या प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विद्या प्राप्त करने का चौथा तरीका कोई है ही नहीं। उम्मीद है आप भी सहमत होंगे कि विद्या प्राप्त करने के ये ही सिर्फ तीन तरीके हैं। आपका चैनल, आपका अपना चैनल SGKG स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए मटेरियल के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए